क्योंकि इस अगले वीडियो को शुरू करते हैं। सेकंड वीडियो है उस सीरीज का। इस सीरीज में बेसिकली मैं बताने वाला हूँ कि एचटीएमएल सीएसएस का यूज जो है वो हम रिएक्ट नेटिव में कहाँ करेंगे। तो एक्चुअली क्या है कि एचटीएमएल सीएसएस डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, हम जस्ट एक फिनोमेना सीखेंगे कि एक टैग्स क्या है, ठीक है। क्योंकि अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हो तो देखो ये एचटीएमएल है। एचटीएमएल का मैं एक पेज खोल लेता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, हमें टैग्स पे काम करना सीखना है। HTML बेसिकली पूरा वहाँ यूज होने वाला नहीं है, हमें बस ये समझना है कि ये जो टैग होते हैं, ये ब्रैकेट, ये H1, ये ऐसे करके हम जो क्लोज और ओपन कर रहे हैं, इनका मतलब क्या है। HTML से सिर्फ हमें इतना ही सीखना है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि हर टैग का एक अपना मतलब है। हर टैग जो प्री बिल्ड टैग्स बनाए गए हर लैंग्वेज के अंदर, हर लाइब्रेरी फ्रेमवर्क के अंदर अपने अपने टैग बनाए गए हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब हम HTML यूज़ करते हैं, ये HTML जब हम पहले वेबसाइट्स बनाते थे PHP और HTML CSS यूज़ करके और JavaScript यूज़ करते थे, तब ये चीज़ें होती थी कि डायरेक्टली प्योर HTML फ्रेमवर्क हम यूज़ करके यहाँ बनाते थे, ठीक है। तो यहाँ देखो जो H1 टैग है इसका मतलब है हेडिंग, H फॉर हेडिंग, ओके, हेडिंग टैग। H1 का मतलब क्या है कि सबसे बड़ी हेडिंग, सबसे बड़ी साइज वाली। उसके बाद अगर हम इसको देखो अभी 2 कर रहे हैं, यहाँ पे इसको 2 कर देंगे तो इसका साइज तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो ये तो एक पर्टिकुलर HTML के अंदर ये टैग्स दिए हुए हैं, तो इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं। बेसिक हमें ये समझना है कि इस क्लोजिंग और इसका मतलब क्या, हम ये ऐसे कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जब भी मान लो हम HTML में कोई भी टैग यूज़ करते हैं या रिएक्ट नेटिव में आगे हम यूज़ करेंगे जाके, ठीक है, तो उसका बेसिकली हमें कैसे यूज़ करना है। मान लो अभी तो रिएक्ट नेटिव के अंदर बहुत सारे हैं, अभी मैं HTML का एक टैग, मान लो ये स्पैन टैग है, स्पैन टैग को भी हम एज ए टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। मान लो मैंने लिख दिया गौरव भदौरिया दिस साइट समथिंग, ऐसे ही मैंने एक नॉर्मल सा लिख दिया जिससे मैं दिखाना है, ठीक है, आप लोगों को दिखाने के लिए। देखो तो गौरव भदौरिया दिस साइट एक एज ए टेस्ट काम कर रहा है। तो ये जो क्या है कि अगर जब भी हम कोई टेस्ट, मान लो ये मैंने टैग क्लोज ही नहीं किया, ठीक है, अभी ये एरर नहीं दे रहा क्योंकि HTML कोई एरर लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। ये बस एक सिंटैक्स लैंग्वेज है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये जस्ट ये कम बोल सकते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, नॉर्मल लैंग्वेज है, इसके अंदर लॉजिकल पार्ट नहीं हो सकता, तो एरर नहीं आएगा, ठीक है। बट इस तरीके से हमें करना, पर जब हम यही चीज़ रिएक्ट नेटिव में यूज़ करेंगे, वहाँ पे टैग अगर हमने कोई ओपन कर दिया और उसको क्लोज नहीं किया और उसका क्लोज करना था तो वो एरर देगा, क्योंकि वो एक फ्रेमवर्क के अंदर लॉजिकल पार्ट में स्क्रिप्टिंग हो गया, ठीक है। तो फिलहाल क्या है कि हमें बस यही इस HTML के अंदर बेसिकली यही सीखना था। ये चीज़ें हम मतलब रिएक्ट नेटिव में यूज नहीं करने वाले, क्योंकि ये जो इंटरव्यू है वो रिएक्ट नेटिव के लिए, ये जो सीरीज़ है वो रिएक्ट नेटिव के लिए है। तो बस मैं इस HTML की हेल्प से ये समझाना चाह रहा था कि हमें कैसे टैग को यूज़ करना है। अगर हम स्टार्ट करते हैं कोई टैग, यहाँ से ऐसे करके स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वाले में हम ये चीज़ नहीं लगाते हैं क्योंकि इसका मतलब है क्लोजिंग, ठीक है। तो ये क्लोज हो रहा है यहाँ पर, ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकते हैं, रिएक्ट नेटिव के अंदर व्यू होता है, ठीक है। अगर हम ऐसे यूज़ करते हैं रिएक्ट नेटिव के अंदर, ये टैग देखो क्लोज किया, इसको लाइक ओपन किया और क्लोज किया, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें, ये हटा दो अभी यहाँ से, मैं अगर एस्टिमेट इसके अंदर डिब होता है, ठीक है, डिब। अब ये क्या है कि दोनों के कंपेरिजन हैं, अगर HTML यूज़ कर रहे हो तो डिब है, अगर रिएक्ट JS यूज़ करेंगे, रिएक्ट JS फ्रेमवर्क जब हम यूज़ करेंगे उसके अंदर, जब हम लाइब्रेरी के अंदर रिएक्ट JS लाइब्रेरी के अंदर जब हम कोई भी बॉक्स बनाएंगे, कोई UI बनाएंगे, तो उसके अंदर हम डिब यूज़ करते हैं, वहाँ व्यू नहीं होता, ठीक है। पर जब हम रिएक्ट नेटिव यूज़ करेंगे तो वहाँ पर डिब की जगह पर व्यू होगा। तो हर एक के पर्टिकुलर अपने अपने प्री डिफाइंड टैग्स हैं, और टैग का मतलब क्या है कि ये टैग मतलब ऐसे ओपन करते हैं और ऐसे क्लोज करते हैं, उसके बीच में जो भी हमें लॉजिक लिखना रहता है, कोई UI बना रहते हैं, वो हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो HTML का सिर्फ इतना ही मतलब है यहाँ पे, ठीक है, और इतना ही हमें बेसिकली सीखना है कोई HTML का, क्योंकि हम रिएक्ट नेटिव देने जाते हैं इंटरव्यू, तो हमें HTML का पूरा नॉलेज नहीं पूछेगा कि क्या क्या टैग होते हैं, पी टैग का मतलब क्या है, स्पैन का मतलब क्या है, डिब का मतलब क्या है, H2 का मतलब क्या है, ऐसे नहीं पूछने वाला वो ये टैग तो हम वैसे भी याद नहीं कर सकते क्योंकि इतने सारे हजारों टैग हैं, हर एक पर्टिकुलर टास्क के लिए एक टैग बनाया गया है, तो हम वो याद नहीं करना है। अब हम देखते हैं कि जब भी हम इस टाइप से कोई टैग यूज़ करके कोई हम UI बना रहे हैं, तो उस UI को ब्यूटीफाई करने के लिए CSS यूज़ करते हैं। अब देखो CSS वहाँ पे स्टाइल शीट रिएक्ट नेटिव में यूज होगी, वहाँ पे भी जो एक तरीके से हम भी क्या सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं सिंटैक्स,
लिखना कैसे है। जब रिएक्ट नेटिव में कोई यूआई बनाते हैं तो टैग ऐसे स्टार्ट करते हैं, उसके बीच में लिखते हैं, तो ये एक तरीके से एक सिंटैक्स है। तो एचटीएमएल से सिर्फ हमें इतना सीखना है कि सिंटैक्स कैसे लिखना है, कोई टैग लेना है वो कैसे लिखना है। तो ऐसे टैग हम लिखते हैं और इसको ऐसे क्लोज करते हैं, अगर क्लोज नहीं करते हैं तो रिएक्ट नेटिव में एरर देता है। तो बेसिकली हमें यहाँ से सिर्फ ये चीज़ अडॉप्ट करनी है। अब सीएसएस की बात करते हैं, सीएसएस को एक ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो सीएसएस बेसिकली ऐसे यूज होता है, मैं बाकी सब हटा दो, यहाँ तो क्या है कि जब एचटीएमएल यूज़ करें तो हमें उसके अंदर एक स्टाइल टैग यूज़ करना पड़ता है और उसके अंदर हम लॉजिकल चीज़ें लिख सकते हैं, ये स्टाइलिंग लिख सकते हैं, ठीक है। रिएक्ट नेटिव के अंदर क्या है, इनलाइन भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली मैंने कोई टैग बनाया उसके अंदर भी डायरेक्टली दे सकते हैं, और वहाँ ये इसमें भी दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है इसके अंदर नहीं दे सकते, पर इसको भी तरीका होता है लिखने का। रिएक्ट नेटिव में भी इनलाइन दे सकते हैं और अलग से, जैसे ये स्टाइल टैग है ना, वहाँ पे एक स्टाइल सीट होती है, उसके अंदर आप ऐसे लिख सकते हैं। अब इस सीएसएस की फाइल से हमें क्या इन्फो अडेप्ट करनी, वो ये है कि जो ये सिंटैक्स है, ये सिंटैक्स हमें फॉलो करना है। जो भी हम कोई एक बॉडी, कोई एक क्लास नेम या कोई एक व्यू ले रहे हैं, उस व्यू को अगर हमें स्टाइलिंग देनी है तो उस व्यू का नाम यहाँ लिखते हैं और ऐसे कर्ली ब्रेसेस लगा के उसके अंदर की जो भी प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ प्रॉपर्टी का नाम, यहाँ प्रॉपर्टी की वैल्यू। तो हमें सिर्फ ये सिंटैक्स अडॉप्ट करना है यहाँ से कि इस तरीके से हम सीएसएस या स्टाइलिंग फॉलो करते हैं, ठीक है। अब सीएसएस में बहुत सारी चीज़ें हैं तो हमें क्या है कि हम मोस्टली टैग याद नहीं कर सकते, तो पर जो चीज़ें हमें जरूरत पड़ती हैं वो टैग हम एक तरीके से जब हम रूटीन में काम करेंगे डेली बेसिस पे तो आपको याद हो जाएंगे वो चीज़ें, एक तरीके से मेमोराइज हो जाएंगी डेली आप काम करोगे तो, ठीक है। तो या एक तरीके से रटना नहीं है, कभी मुझे 100 टैग रटने ऐसा कुछ नहीं है, बस जस्ट हमें सिर्फ एक तरीका लेना। अब देखो मैं फ़र्क दिखाता हूँ HTML CSS जो हमने आपको दिखाया उसके बेस पे मैं रिएक्ट नेटिव दिखाता हूँ कि क्या फ़र्क है, ठीक है। तो मैं एक कोई भी अपना फोल्डर खोल लेता हूँ, हमें सिर्फ इस HTML CSS से, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं HTML पूरा पढ़ाऊंगा तो वो नहीं है, क्योंकि React Native के अंदर में पूरा HTML पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हम क्या जो UI बनाएंगे वो टैग्स के अंदर ही बनाएंगे, तो हमें सिर्फ टैग का सिंटैक्स सीखना है कैसे लिखना है, बाकी चीज़ें तो डिफरेंट होने वाली हैं, वो सेम नहीं होने वाली है। हमें स्टाइलिंग का सिंटैक्स यहाँ से सीखना है और उसको वहाँ यूज़ करना है, पर जो टैग होते हैं वो थोड़ा लिखने का तरीका अलग हो जाता है, ठीक है। यहाँ देखो बैकग्राउंड कलर को हम कैसे लिखते हैं, बैकग्राउंड डैश कलर, ओके। अब हम रिएक्ट नेटिव में यहाँ देखते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कैसे लेते हैं, देखो कहीं पे मैं इसका भी ये थोड़ा सा ओपन हो जाए ठीक से, ओके। देखो यहाँ कहीं होगा, देखो बैकग्राउंड कलर ये रहा, ठीक है, ये देखो बैकग्राउंड कलर, ये देखो इसके अंदर डैश नहीं है, तो ये चीज़ें तो आप रट नहीं सकते हो क्योंकि उसमें अलग है इसमें अलग है, बस हमें फ़र्क क्या है, देखो सेम चीज़ क्या है, मैंने आपको बताया था कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी है वो उस प्रॉपर्टी का नाम और उसकी वैल्यू, प्रॉपर्टी का नाम और वैल्यू। तो ये चीज़ हमें वहाँ से अडेप्ट करनी थी सीएसएस से, ठीक है। और ये देखो मैंने ये व्यू टैग यहाँ स्टार्ट किया और उसका मैचिंग, इसका क्लोजिंग पार्टनर भी मैंने यहाँ पे डाला, अगर ये नहीं डालेंगे तो ये देखो अगर मैं डिलीट करूँगा तो ये देखो एरर दे रहा है रिएक्ट नेटिव के अंदर, देखो अनएक्सपेक्टेड टोकन, क्योंकि यहाँ पे ये टोकन ही एक तरीके से ये मिल है पर इसका क्लोज ही नहीं हो रहा कहीं पे। तो ये चीज़ें बस मैंने ये सीखने को बता रहा था कि आप अगर सीखना चाहो वो आपकी चॉइस है कि आप HTML CSS को पूरा सीख सकते हो जितना भी सीखना है बेसिकली, बट अगर नॉलेज की बात करें तो वहाँ से सिर्फ ये अडेप्ट करना है कि सिंटैक्स HTML का सिंटैक्स हम कैसे टैक्स को यूज़ कर सकते हैं और CSS स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे हम प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू को दे सकते हैं स्टाइलिंग के अंदर, ठीक है। ये चीज़ अडेप्ट कर ली और यही चीज़ों को एक तरीके से बेसिक नॉलेज है वो हम यूज़ करने वाले हैं रिएक्ट नेटिव में। अब जब लोग जब बहुत सारे अलग जब आप कोचिंग्स ज्वाइन करते हो, कहीं ट्यूशंस लेते हो, सब चीज़ों की कोई कोर्स ले रहे हो, तो आप देखते हो कि सबसे पहले बेसिक नॉलेज बताइए थी सी सीखना है। सी क्यों सीखने को बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि सी नहीं सीखोगे तो आप प्रोग्रामर नहीं बनोगे, आप जावा सीखोगे तो ही प्रोग्रामर बनोगे, ऐसा कुछ नहीं है। सी सीखने के लिए मतलब क्या, हमें सी के अंदर जो कॉन्सेप्ट होते हैं आइट्रेशन वाले कॉन्सेप्ट, जैसे फॉर लूप, इफ एल्स कंडीशन, ठीक है, स्विच, वाइल, फॉर ईच, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं, फॉर लूप कैसे चलाना है, ठीक है, आइट्रेशन कैसे चलाना है, प्रिंट कैसे करनी, ये सब एक ऐसे लॉजिक्स हैं जो हम हर जगह यूज करेंगे। हम रिएक्ट नेटिव करेंगे इसमें भी जावास्क्रिप्ट का यूज करके ये लॉजिक्स लगाएंगे, जावा जब सीखते हैं तो वहाँ पे भी हम यही वाले लॉजिक, बस क्या है कि सिंटैक्स चेंज हो जाता है। तो मैंने आपको यहाँ बताया HTML का सिंटैक्स सीखने को, क्योंकि वो सिंटैक्स हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं रिएक्ट नेटिव में, देख रहे हो, पर जो सिंटैक्स
ही यूज़ कर रहे हैं, पर जो टैग हैं उनके नाम तो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ टैग अलग है, यहाँ यूआई डिफरेंट तरीके से बनती है। मोबाइल के लिए बना रहे हैं तो वो सिंटेक्स सेम रहेगा, बट टैग अलग रहेंगे। अगर हम टैग को एक यहाँ यूज़ कर उसको ओपनिंग यूज़ करते हैं बट क्लोजिंग यूज़ नहीं करेंगे तो एरर देगा, ठीक है। तो बेसिक फंडा हमें यूज़ करना था, वहाँ पर सीखना था कि कैसे टैग का यूज़ करना है, पर टैग्स जो है वो डिफरेंट रहेंगे रिएक्ट नेटिव के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आप वहाँ से सीख सकते हो। थोड़ी सी और नॉलेज लेनी है तो दो चार वीडियो या फिर आप वेब्स जो मैंने साइट बताई W3 School, वहाँ जाके पूरा एक दो घंटे दो चार घंटे देके पढ़ सकते हो, जिससे आपका थोड़ा सा माइंड और शार्प हो जाएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। रिएक्ट नेटिव की बात करें तो रिएक्ट नेटिव हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर जो मोस्टली टैग्स हैं, मोस्टली टैग मैं आपकी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, मोस्टली टैग है, वैसे हम रिएक्ट नेटिव के अंदर उनको कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। कंपोनेंट बोलते हैं कि ये स्टेटस बार है, इमेज है, ये एक तरीके से कंपोनेंट है, एक छोटा सा कंपोनेंट है, ठीक है, जो रिएक्ट नेटिव लाइब्रेरी के अंदर दिए गए हैं, ठीक है। बट अगर मैं आपकी मानूँ तो ये एक तरीके से टैग हैं जो रिएक्ट नेटिव लाइब्रेरी के अंदर हैं। फ्लैट लिस्ट, स्क्रॉल व्यू, इमेज, स्टेटस बार, सेफ एरिया, टेस्ट इनपुट, ये अलग अलग सबका एक अल्टुकुलर सबके अलग अलग पर्टिकुलर टास्क हैं, उनके लिए इसमें बनाया गया, पर एक तरीके से टैग ही तो हैं। अगर इनको ओपन करेंगे और क्लोज नहीं करेंगे तो एरर देंगे, और लिखने का तरीका सेम HTML की तरह है। डिजाइनिंग के लिए सेम वही यूज़ करते हैं, बस क्या है थोड़ा सा लिखने का सिंटेक्स बदल जाता है। उसके अंदर हम HTML के अंदर हम जो CSS होती है उसके अंदर डैश यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम कैमल नेमिंग स्पिंग जो होता है कैमल टाइपिंग, मतलब फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है, सेकंड लेटर जो और किसी वर्ड का है उसको कैपिटल रखते हैं, तो उस तरीके से यूज करते हैं। बाकी फिनोमिना समझो तो यही है ना कि की वैल्यू वाली चीज़ें हैं, ये प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू, ठीक, इसी तरीके से हमें यूज़ करना है और कॉन्सेप्ट ऐसे ही क्लियर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली क्या मैंने ये बता दिया, नेक्स्ट वीडियो में क्या है कि मैं रिएक्ट नेटिव और रिएक्ट JS, जावास्क्रिप्ट, इनके वो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूँगा जो हमें रिएक्ट नेटिव इंटरव्यू क्लियर करने के लिए हेल्प करेंगे, और वो क्वेश्चंस ही ज़्यादातर सारे इंटरव्यूअर पूछते हैं, वो क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब वो सारे क्वेश्चंस एक दो वीडियोज़ के अंदर क्लियर हो जाएंगे, दो तीन वीडियोज़ के, और उसके बाद हम रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम वो चीज़ें वो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जो ज़्यादातर रिएक्ट नेटिव से पूछी जाती हैं, जैसे रेडक्स हो गया, रेडक्स को यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। रेडक्स के बाद हम स्टेट मैनेज कैसे करेंगे, नॉर्मल स्टेट मैनेज कैसे करेंगे, डेटा पास कहाँ से कहाँ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत एनिमेशंस देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट जो इंटरव्यू के अंदर जो चीज़ें पूछेंगी वही बताऊंगा इस वाली इंटरव्यू सीरीज के अंदर। अगर आपको पूरे पूरे वीडियो देखते हैं, फुल UI देखनी है, फॉर सारी चीज़ें देखनी है, तो हमारी जो अलग सीरीज चल रही है UDB की चल रही है, ठीक है, अलग से एक रिएक्ट नेटिव करके एक लर्न रिएक्ट नेटिव इन 3-4 days वाली ये सीरीज है, उसके अंदर वो वीडियोज आएंगी अलग अलग, पर पर्टिकुलर इस वाली सीरीज के अंदर मैं वही चीज़ बताने वाला हूँ जो रिएक्ट नेटिव इंटरव्यू के अंदर पूछा जाने वाला है, ठीक है। तो और जो मेरे से पूछा गया, मैंने अभी तक बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं, जॉब ली है, तो मैं वही चीज़ें बताऊंगा जो मैंने पहले फेस की है, मैंने पहले उस चीज़ से एक्सपीरियंस लिया, ठीक है। तो चलते हैं फिर, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि अगला ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और अगले वीडियो में मिलते हैं रिएक्ट नेटिव के कुछ कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस और लाइक रिएक्ट JS के भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस को लेके, ठीक है। तब तक के लिए अलविदा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जिससे आपका ये सपोर्ट मिलेगा तो मेरे वीडियो डालने में थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू।